हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। राम राम जी। वंशु खाट पे लेटी हुई है, मैं भी धूप में लेटी हुई हूँ। वंशु ने ही ला के रोटी दी थी, वो खा रही थी, आधी सी खाई देख सकते हैं, और यहीं पे धूप में ही लेट गए। बहुत तेज़ धूप थी, फिर हवा चलने लगी एकदम से। वैसे तो नीचे भी बैठी रहती हूँ ज़्यादातर, छत पे, बाहर अभी तो नहीं आ रही हूँ, पर अभी थोड़ी देर के लिए आई थी और धूप भी चली गई थी, मतलब आ रही थी जा रही थी। और कल लाइट ने इतना ड्रामा किया, बार बार आ रही थी जा रही थी, पता ही नहीं क्या हो रहा था। जी का नाम नहीं बताया। सब्जी बताओ, कोई भी तो लेके आनी हो। और क्या, और मैं कैसे काम करती हूँ? अजीब अजीब से काम करती थी। अच्छे काम नहीं करती हूँ। अच्छे अच्छे बढ़िया सब करती हो, मगर अजीब अजीब से भी करती हो। कितने अजीब करती, कितने बढ़िया बढ़िया काम करती हूँ मैं। हटके और उनसे कुछ हटके तो अच्छा है ना, इनको मेरे कोई काम ही नहीं पसंद आते। मेरे लिए तो कहा ही नहीं, कोई पसंद नहीं आता है। फिर ऐसे कह रहे हो कि तू उठपटांग काम करती है तू। मैंने ऊट पटांग नहीं करी है, मैंने कही अजीब अजीब काम करती हो। हाँ तो वो अजीब और ऊट पटांग एक ही हो गए ना। ऊट पटांग खराब होते हैं, अजीब का मतलब होता है एक अलग तरीके का, समझ में कम आए। अच्छा, सब्जी जो मर्जी ले आना। जो मर्जी ले आऊंगा, चलाऊंगा उधर से लेकर के। हाँ चले ही है। जब से एक घंटे से पापा से बातें करी जा रही है, इसने कैमरा ऑन नहीं किया। मम्मी क्या बनाओगी आज मटर से? कुछ भी नहीं। क्या बनाओगे बताओ ना। छील कर दे रहा हूँ मटर को भी, जो बार बार दिक्कत ना हो। मम्मी चाय दिखाऊं आपको? भी चाय दिखा दूं आप सबको? गाइस बोल रहे हैं हाँ ठीक है, आ जाओ सब लोग। अभी दो ग्लास बन गए, एक एक घूट पी लेना सब। आप कह दोगे ना वंशु से ये कर देना, पैर में दर्द हो रहा है, मम्मी की ये करवा लो। अभी दिखाती हूँ एक सेकंड। तो ये रही मेरी चाय, इन लोगों के लिए चाय लेके आ गई हूँ, और मैं लग जाती हूँ काम में। धीरे धीरे काम किया, कोई जल्दबाजी में नहीं किया। इन्होंने ये मटर छील के इतनी सारी रख ली है, काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, आलू सबको कर लिया है तैयार, धोए नहीं है। ये मटर को स्टोर करके रख देती, स्टोर क्या मतलब, दो तीन दिन तो चला ही लेंगे। ये देखिए ढक्कन लगा दिया, रख दिए, सारा कुछ तैयारी कर ली। बाजरे की खिचड़ी बना रही हूँ मैं, यहाँ बैठो। और यहाँ पे देखिए मैंने वो साइड से कर दिया, बाजरे का आटा लेके आई, 30 रुपये किलो बाजरे का आटा मिला। आप लोग पूछे यहाँ पे ये बाजरा है, इसको थोड़ा सा मिक्सी में दरदरा पीस लें, क्योंकि साबित की खिचड़ी नहीं बनती है ना, तो इस वजह से। गांव में तो कूट भी लेते हैं और ऐसे भी कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इस तरीके से दरदरा रखा है, और चलिए बनाना करते हैं स्टार्ट। देखिए इस तरीके से, अपना अपना तरीका है, मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वही शेयर किया है। रोटी बन नहीं रही थी, फिर मैंने बोला थोड़ी खिचड़ी थोड़ी रोटी, रोटी इन्होंने बना ली थी, तो मैंने बोला चलो खिचड़ी मैं छोंक लेती हूँ, थोड़ी सी खा लेंगे बच्चे भी गरम गरम। तो ये देखिए ये हींग लेके आए मार्केट से, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, गांव के जैसे नहीं होती है हींग, वैसी है, बहुत खुशबू है। कुकर लिया, उसमें ऑयल डाला मैंने, हींग जीरे से इसमें तड़का दे दूँगी। मेरे पास जो सब्जियाँ थी वो मैंने डाली, आपके पास जो डालना चाहे वो डाल सकते हैं। ये हींग का एक दाना लिया, दो दाने डालेंगे तो कड़वी हो जाएगी, एक दाने से मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बहुत खुशबू आ रही थी। तो देखिए जीरा भुंज गया, इसमें प्याज सब कुछ मैंने बैठे बैठे तैयार कर लिया था, इन्होंने भी पूरी मदद कराई मेरी, ऐसा नहीं है। टमाटर डाल दिए, इसमें हल्के हल्के से मसाले डाल देने, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची डाली थी, हरी मिर्ची थोड़ी तीखी थी, और मिर्ची मुझे कम ही रखनी थी, ज़्यादा नहीं करनी थी। तो देखिए थोड़ी हल्दी डाल दी है, थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ा सा नमक डाल के मसाला बहुत जल्दी भुन जाए, क्योंकि तेल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था, कुकर पहले से ही रख दिया था, जब तक मैंने बाजरे को पीसा ईसा तब तक बहुत जल्दी हो गया था। दो आलू, तीन आलू काटे थे, एक आलू हरा निकल गया, फिर मैंने उसको हटा दिया। मटर थोड़ी सी ले ली, बहुत सारी सब्जियां, बीन्स वगैरह भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अच्छा लगता है। वही है, जितना सब्जी में जितना अच्छा वो कर लो उसी के हिसाब से बनती है। तो देखिए मटर हमारी, मटर आलू ये सब मैंने डाल दिए, और देखिए तेल छोड़ दिया हमारे उन मसालों ने, और अब इसमें डाल देते हैं हमारा ये जो मैंने कूटा था मिक्सी से, पीसा था कूटा था, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आपको गाढ़ी रखनी है, पतली रखनी है, ये हमारे हाथ में है, मैंने तो पतली रखी है, ना पतली ना गाढ़ी सही रखी है अभी। और धनिया मैं इसी टाइम डाल दूँगी, क्योंकि फिर खड़े धनिया नहीं अच्छे लगते हम लोगों को। तो देखिए इस तरीके से, और धनिए को धो लिया था मैंने, उसके बाद डाले। ये देखिए कुकर का ढक्कन लगा देती, दो तीन सीटी में हमारी खिचड़ी बन के रेडी हो जाएगी। ये देखिए
खिचड़ी हमारी परफेक्ट है, जैसी मुझे चाहिए थी वैसी मैंने ली है। और चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, इन बच्चों को दे देती हूँ। सोना ने, वंशु ने गरम गरम खाई थी, मैं तो काम में लगी हुई थी, मैंने बोला थोड़ा लेट खाएंगे, कैमरा थोड़ा धुंधला हो जाता क्योंकि ध्यान नहीं था। यहाँ पे प्लेट ले ली किनारे वाली, इसमें फैलेगी नहीं। ये देखिए मटर और आलू एकदम बहुत अच्छी बनी थी, थोड़ा सा इसके साथ मठा मतलब छाछ होती तो अच्छा लगता, पर छाछ खा के मरना नहीं है। ये चटनी मेरी रखी थी, इसको थोड़ा सा डाल के थोड़ा तीखा मतलब हो जाता ना तो और अच्छा लगता, बच्चों के हिसाब से कम किया था। अच्छा, ये दो दिन का ब्लॉग है, आप लोगों को बता दूँ, सोमवार वो मंगलवार और बुधवार का थोड़ा थोड़ा क्लिप लेके आई हूँ। ये बाजरे का आटा लेके आई थी, वो इनको दिखा रही थी, ये बोल रहे थे रखा हुआ। इनको आटे सबकी बहुत परख है, मुझे नहीं पता, तो मैं आप लोगों को भी दिखा रही थी। ये मेरे साथ मदद करा रहे हैं, अच्छा ऐसे पहली बार हुआ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे खुद शर्म आ रही क्योंकि सभी लोग वीडियो देखते हैं हर जगह, मतलब रिश्तेदार वगैरह तो सब, पर मुझसे नहीं हो रहा था, इतना खुद ही बोले ला मैं करवा देता हूँ काम थोड़ा बहुत। मैंने बोला रहने दो, पर इन्होंने बोला नहीं करवा लेता हूँ, पूरा फैला हुआ था तो इन ये मेरे साथ काम कराने लग गए। मैं इधर खाना बना रही हूँ, इन्होंने रोटी बना ली थी, पर फिर दो तीन रोटी मैंने बोला मैं सोना के लिए बना देती हूँ, आपके लिए बना देती हूँ, फिर आप खिलाते रहना बच्चों को, मैं ये सारा समेट दूँ। क्योंकि बर्तन के बाद इन्होंने बर्तन तो धोए थे, पर पूरे पे टाइल पे छींटे ईटे सब पे बर्तन सेट करना ये सब बहुत ज़्यादा वो हो गया था। मैंने बोला जिससे बढ़िया तो मैं ही धो लेती, पर एक चीज़ आप लोग भी कमेंट करें, कैसे भी मदद तो की ना, वही है आप कोई मदद करता है उसमें भी हम नुक्स निकाले, ये तो गलत बात है। मदद जितनी हो सके, इनको खाना बना, आप बोलेंगे कि खाना क्यों नहीं बना, इनको खाना बना वगैरह नहीं बनाना आता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर देंगे तो बर्तन धुलवा देंगे, और इनको कुछ भी नहीं आता है तो ठीक है, जो मदद मिल जाए वही ठीक है। पर थोड़ा होता है ना कि ना बिल्कुल नहीं उठा जा रहा, दो रोटी मिल जाए वो करके। तो ये बच्चों को स्कूल से लेके आए थे और मेरे साथ लग गए, और नेक्स्ट डे दो तीन दिन से तो यही लेके आ रहे लेके जा रहे हैं, और वीडियो आगे पीछे हो गई है तो माफ़ कर देना पहले से ही। यहाँ पे ये धनिया की गड्डी लेके आए थे दो, और यहाँ पे मैंने आलू छील लिए क्योंकि फिर ठंडे होके ये नए आलू ना छीलते नहीं हैं, गरम गरम छील लोगे तो ठीक है, और ठंडे हो गए तो बहुत नाखून और वैसे भी हो जाते फटे फटे और छिलते भी नहीं है। ज़्यादा नहीं मैंने करे, थोड़े से ही करे, ये नेक्स्ट डे है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी वो करने जा रही हूँ, मेथी आलू की कचौड़ी बनाने जा रही। वंशिका का मन था, देखिए दो दिन वंशिका स्कूल में टिफ़िन नहीं लेके गई, बिस्किट ले दे दिए, बिस्किट रख दिए, नमकीन रख दी, ऐसे करके तो मैंने हिम्मत करके आलू वाले और कचौड़ी शेक दे रही हूँ, ले जाएंगी। क्योंकि देखिए बच्चों पे पढ़ाई का लोड और खाना पीना ढंग से नहीं मिले तो नहीं अच्छा लगता है, तो मैंने आलू छील लूँगी, और उसके बाद मैंने आटा ले लिया है, मेथी को काट लिया अच्छे से धो लिया, आलू मेरे छिल गए, आटा हल्के हल्के से मसाले डालूंगी, ज़्यादा मसाले नहीं डालूंगी, हल्के हल्के से, थोड़ी नमक, थोड़ी मिर्ची, थोड़ी हींग और थोड़ी सी हल्दी, हल्दी से थोड़ा सा कलर वैसे आ जाता है तो अच्छा लगता है। ये देखिए ना मात्र नमक डाला, मतलब फीके फीके ना लगे ये है, और कचौड़ी वाली बहुत बहुत करारी करारी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। किसी सर्दी में तो अभी देखिए कुछ भी खाइए तो अच्छा लगता है। हींग दो एक दाना डाला है, और आलू को अच्छे से फोड़ के इस तरीके से ठंडा होगा, उसके बाद मैंने मेथी और आलू को आटे में कर दिया, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए वैसे तो ये मना कर रहे थे कि रहने दे ला मैं करवा देता हूँ, पर ये सब आदमियों को कहाँ आता है, हम लोगों को ही करना होता है। थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसको अच्छे से गूंद लेते हैं, गूंदने के बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा जल्दी था, उठी तो जल्दी थी, पर फिर भी देखिए आटा हमारा गूंद के रेडी हो गया, थोड़ा साफ कर लेंगे इसको साइड साइड से, इसको रेस्ट देते हैं ना तब रोटी अच्छी बनती है, जो भी रोटी पूड़ी पराठे जो भी बनाओ, नहीं तो फटी फटी बनती है। देखिए मैंने बेल के पहले ही रख दी थी, अब इनको सेक रही हूँ, धीमी धीमी आँच पे सेका, करारा करारा करके। वंशिका वैसे भी थोड़ी सी करारी खाती, देखिए कितनी अच्छे से निकल निकल के तैयार हो रही। किसी से भी खाइए, ज़रूरी नहीं है वो चाय से खा लीजिए, इन्होंने भी चाय से नाश्ता कर लिया था। अब ये मैंने इसके बाद गैस बंद कर दी थी, जब ये वापस आए तब मैं सेक दूंगी गर्म गर्म। ठंडी रख के ना अच्छी नहीं लगती, गर्म गर्म ज़्यादा अच्छी लगती है।
तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला बच्चों को लेने गए थे, बच्चों को अभी छोड़ के आए हैं, और आते ही देखिए लग गए मेरे साथ। ये दो तीन प्लेट ये बच्चों ने खाई थी ना, उनको साइड से करके ये रख दे रहे। पानी थोड़ा सा ना ठंडा था, यहाँ पे मैं मिक्सी में पता नहीं क्या मसाला पीस रही हूँ सब्जी के लिए। मैंने कुछ नहीं ज़्यादा आलू आलू को पत्रे आलू बना लिए थे, हल्दी वो धनिया मिर्ची लहसुन इनको पीस के और आलू गीले वाले बना लिए थे, मतलब उबाल के आलू, फिर मैंने उनको तड़का दिया था। दो राउंड में बन गई, बर्तन ज़्यादा नहीं है, आपने देखे दो ही थे बर्तन, मैंने धो लिए थे, एक दो थे वो पानी में नहीं करो तो इस वजह से। देखिए अच्छी चीज़ भी दिखानी चाहिए, ऐसे ही नहीं मैं बोलती हूँ ऐसा नहीं वैसा नहीं, अच्छी चीज़ें भी दिखानी चाहिए। यही नहीं कि ये नहीं करवाते वो नहीं करवाते, जो भी करवाते हैं अच्छे करवाते हैं, बहुत ज़्यादा वो कर लेते हैं। तो रोटी बना दी थी मैंने, और ये परात है मतलब बच्चों की, उसमें से निकाल के उसमें से निकाल टिफ़िन में रख दिया, क्योंकि मुझे परात का काम नहीं था, जो यूज में नहीं मतलब जो काम कर लिया उसके बर्तन धो के रख दिए। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अभी नहीं हूँ अच्छी पर हो जाऊँगी। यहाँ पे चाय बना रही हूँ एक कप, बच्चे स्कूल चले गए हैं, 4 दिन हो गए तबीयत खराब हुए, बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा। मैं 2 दिन से कुछ भी खाना भी नहीं खाया है, तो मैंने बोला चाय बना के पी लूं जब तक ये बच्चों को छोड़ के आएंगे। फिर देखो रसोई की दिखाते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, देखो रसोई ये देखो ये देखो। बंसु के लिए सेक दी थी रोटी, इन्होंने बनाई है, चकला बेलन की हालत तो देखो ठीक है, पर इतना किया, मेरी सांस फूल रही है। पर आपको पता है मेरा एक दिन ब्लॉग नहीं जाए तो मुझे ऐसे लगता कुछ खो गया, कुछ खो गया है। मैं चाय पीने की इच्छा कर रही, कुछ भी नहीं, ऐसे लग रहा लेटे रहो, उठती हूँ ना तो ना पसीना आने लग जाता है, दवाई तो मैंने खा ली है, लेके भी आ गई हूँ। बस यही है, मौसम चेंज हो रहा है, मैं स्पेशल नहीं हूँ, घर घर बीमारी चल रही है। थोड़ा बहुत समेट देती हूँ, ये बच्चों को आके आ जाएंगे, जब थोड़ा बोल रहे थे मैं करवा दूंगा, क्योंकि पानी में हाथ देती हूँ ना वैसे ही सर और दर्द होने लग जाता है। वैसे तो सारा आटा वगैरह सब मैं ही कर रही हूँ, पर बर्तन वर्तन बोलने मैं कर दूंगा और सारा काम किया, मुझे अच्छा तो नहीं लगता सर। कभी भी आप कोई सा वीडियो उठा के देख लीजिए, कभी भी मैंने इनसे ये सब काम नहीं कराया, हाँ पूरी सेकने के अलावा और कभी कोई सा काम नहीं कराया, ही करते भी नहीं और मैं कराते भी नहीं हूँ इस वजह से। चलो सोना अंदर है, सोना को दवाई दे दी है, भाप लगा दी है, वंशिका छुट्टी करा नहीं सकते, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इस वजह से यही लेके आते हैं, यही छोड़ के आते हैं, क्योंकि मुझसे उठा ही नहीं जा रहा, बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा। घर देखोगे ना तो कहोगे हाँ प्रीति क्या हकीकत में घर बहुत पैसा पड़ा हुआ है, कोई नहीं थोड़ा सा धीरे धीरे आराम मिलता है, एकदम से तो नहीं आराम मिलता है। फिर कोई है भी नहीं देखने के लिए हम दोनों के अलावा, आ जाओ अंदर चलते हैं चाय पीते हैं, खूब अदरक वगैरह डाल के बनाइए। देखिए काम तो मैं कितनी भी बीमार हूँ तब भी करती, पर मैं चीज आ जाता गला साफ नहीं देता, इसलिए ब्लॉगिंग रह जाती है, नहीं तो बीमार हो चाहे कुछ हो काम तो हम ले, मैं खुद के लिए नहीं कह रही, हम सभी औरतों को उठना पड़ता है करना पड़ता है, तो वो सूट कर लो तो उसमें कोई एतराज नहीं है, पर मैं चीज गला आज थोड़ा तब भी आवाज निकल रही है और दिन नहीं हो पा रहा था। चलिए काम कर लेते हैं, बहुत लेट हो जाएगा, देखती हूँ ब्लॉग कितना बन पाता है कितना नहीं। हाथ ऐसे लग रहे हैं ही नहीं हाथ, और ऐसे रूखे रूखे से हो गए हैं।